क्राइम न्यूज। पति के घर न होने पर पत्नी प्रेमी के साथ बंद कमरे में बुझाती थी जिस्म की प्यास। अवैध संबंधों में बाधक बना पति, फिर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। नमस्कार दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल में आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं का स्वागत है। दोस्तों, अफेयर क्राइम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। दोस्तों, यह बेलगाम हवस की कहानी उन्नाव से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक मामला रिश्ते को कलंकित करने का सामने आया है, जिसका उन्नाव पुलिस ने खुलासा कर दिया है। अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की पत्नी ने ही हत्या करा दी थी। युवक की निर्मम हत्या का 24 घंटे के अंदर उन्नाव पुलिस ने खुलासा कर दिया। पत्नी रेखा ने प्रेमी संजय कोरी के साथ मिलकर पति बेचा लाल को मौत के घाट उतार दिया था। फिर पुलिस ने प्रेमी व मृतक की पत्नी रेखा को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को रात में घर की छत पर सो रहे युवक की फरसा से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आपको बता दें कि मैरावा पुलिस ने रविवार सुबह पेंटर हत्याकांड में पत्नी व उसके प्रेमी को गिरफ्तार किए जाने का दावा किया है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर धारदार फरसा से पति की गर्दन रेतकर हत्या किए जाने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने पत्नी व उसके प्रेमी पर हत्या का केस दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दोनों हत्या आरोपितों को जेल भेज दिया। मैरावा इंस्पेक्टर ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मैरावा थाना क्षेत्र के दृगपालगंज के रहने वाले पेंटर बेचा लाल कश्यप की शुक्रवार रात गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। मृतक बेचा लाल के पिता बिंदा प्रसाद ने पुलिस में तहरीर देकर अज्ञात पर हत्या का केस दर्ज कराया गया था। हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस ने मृतक बेचा लाल की पत्नी रेखा पर आशंका होने पर उसे घर से हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पत्नी रेखा ने पति की हत्या वारदात कबूल कर लिया। उसके बाद पुलिस ने रेखा व उसके प्रेमी राय बरेली थाना बछरावा के सुदौली गांव में रहने वाले संजय कुमार कोरी को भौरेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया। आरोपितों ने बताया कि हम दोनों के बीच 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है। संजय रेखा से मिलने उसके घर अक्सर आया जाया करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करने की योजना बनाई थी, मगर रेखा का पति बेचालाल विरोध करता था, जिससे पत्नी रेखा ने संजय के साथ मिलकर शुक्रवार रात धारदार फरसा से पति बेचालाल की गर्दन रेतकर हत्या कर दी। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने फरसा बरामद किया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपी रेखा और उसके प्रेमी संजय को जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर ना आने दें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।